वो कौन सा हाउस है जो कि आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इच्छाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इच्छा हो सकती है कि अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा फाइनेंस, अच्छा पैसा चाहिए जीवन में, अच्छा व्यापार चाहिए, तो किसी भी तरह की आपकी इच्छा, अच्छी शादी करना चाहते होगे, आप अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहते होगे, तो किसी भी तरह की आपकी इच्छा है, मनोकामना है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे को मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो, कौन सा उपाय है जो कि उस चीज़ को, उस मनोकामना को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। और ऐसा नहीं कि किसी सिर्फ एक इच्छा के लिए, इच्छाएं तो इंसान की उम्र के साथ बदलती रहती हैं। ये एक ऐसी खास रेमेडी, ऐसा खास उपाय होने वाला है जो आप थ्रू आउट द लाइफ करते रहेंगे और आप पाएंगे कि अब चीज़ें लाइफ में स्मूथ हो गई, आसान हो गई हैं। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमय दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रोलॉजी पंडित यूट्यूब चैनल के साथ आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, ज्योतिष में इच्छाएं पूरी करने के लिए कैसे कुंडली देखी जाती है, या फिर किस तरह से एक एस्ट्रोलॉजर आपको बताता है। पर हाँ, आपको कुंडली नहीं देखनी है, सबसे अच्छी बात आज की इस वीडियो की यही है, कुंडली है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कुंडली देखनी आती है नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा ये वीडियो टेक्निकल होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपको आपकी लैंग्वेज में समझ में आएगी। ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी चीज के लिए कई सारे लोग कंसल्टेशन लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर्स पंडितों के पास जाते हैं, और पंडित जी भी इन्हीं सब चीज़ों को देखकर आपको आंसर करते हैं। तो क्यों ना आप खुद ही ये चीज़ देखना और सीखना समझ जाएं। मैं हमेशा, जैसे हर वीडियोस में आप देखते हो, मेरे समझाने का तरीका बहुत आराम का रहता है, जिससे कि हर कोई सीख जाए, ऐसा आज का भी वीडियो रहेगा। सो आज आपको करना क्या है कि अपने साथ साथ अपने घर परिवार दोस्त यारों जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, कोशिश करनी है कि इन सभी की हेल्प आप करिए, यही मेरी फीस समझ लीजिएगा, और अपनी हेल्प भी करिए, यही मेरी फीस है। ओके, आपका काम बन जाए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप देखिए, इस वीडियो को समझना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अभी तक अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की चीज़ें मैं आपके लिए अक्सर लाता रहता हूँ। ओके, स्टेप नंबर वन आज के हमारा इस सेशन का रहने वाला है कि आपके पास आपकी लग्न कुंडली होनी चाहिए। देखना नहीं आता है, बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है, बट लग्न कुंडली होनी चाहिए। ओके, अब लग्न कुंडली कुछ लोगों के पास होगी, बहुत अच्छा है, उसको खोल के रख लीजिए, घर परिवार वालों को भी चाहें तो खोल के रख लीजिए। नहीं है तो क्या करें, बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं जो कि फ्री में आपकी कुंडली बना के देते हैं, किसी में भी जाइए, अपना नाम, बर्थ डेट, टाइम और प्लेस एंटर करिए और वहाँ पे एक फ्री कुंडली आ जाएगी। आपको बस एक चार्ट चाहिए जो आपका लग्न चार्ट है, मैं स्क्रीन पर भी आपको एक चार्ट शो कर रहा हूँ, ऐसा ही कुछ आपका भी चार्ट दिखता होगा, बस इतना ही चाहिए आपको। बस इसके आगे क्या करना है, अब इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। आप अपनी लग्न कुंडली कहीं से भी, किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर से लेके चले आइए, अपने सामने ओपन करके रखिए। अब हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउस होते हैं, जो आप ब्लॉक अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 से लेके 12 तक इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 12 घर हैं। ठीक है, अलग अलग हाउस का आपकी लाइफ पे अलग अलग इफेक्ट होता है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वो कौन सा हाउस है जो कि आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इच्छाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इच्छा हो सकती है कि अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा फाइनेंस, अच्छा पैसा चाहिए जीवन में, अच्छा व्यापार चाहिए, तो किसी भी तरह की आपकी इच्छा, अच्छी शादी करना चाहते होगे, आप अच्छा पार्टनर ढूंढना चाहते होगे, तो किसी भी तरह की आपकी इच्छा है, मनोकामना है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो, कौन सा उपाय है जो कि उस चीज़ को, उस मनोकामना को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। और ऐसा नहीं कि किसी सिर्फ एक इच्छा के लिए, इच्छाएं तो इंसान की उम्र के साथ बदलती रहती हैं। ये एक ऐसी खास रेमेडी, ऐसा खास उपाय होने वाला है जो आप थ्रू आउट द लाइफ करते रहेंगे और आप पाएंगे कि अब चीज़ें लाइफ में स्मूथ हो गई, आसान हो गई हैं। ओके, तो बस पहला स्टेप आई होप अब तक आपने कर लिया होगा, अपना लग्न कुंडली किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से लेकर चले आइए, नहीं मिल रहा है तो हमारे यहाँ से ही कुंडली बनवा लीजिए, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। जोक्स अपार्ट, कुंडली होनी चाहिए लग्न कुंडली। बस मैंने आपको बताया कि 12 घर होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उनके डिपार्टमेंट होते हैं लाइफ में, तो वो कौन सा हाउस है या वो कौन सा घर है जो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर है आपकी कुंडली का 11th हाउस।
ओके। अब ये कुंडली में 11th हाउस मिलेगा कहाँ पे? अपना कुंडली सामने रखिए और स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। एक हाउस पे एरो बना के दिखाया जा रहा है, वहां पर नंबर 11 लिखा होगा ताकि आप उसको ढूंढने में आसानी हो जाए, ठीक है। यही है आपकी कुंडली का 11th हाउस। अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आपकी कुंडली में नंबर 11 कहीं और भी लिखा हुआ हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जहां पर मेरे वीडियो में एरो बन के निशान दिया जा रहा है वही आपका 11th हाउस है, उसके अंदर कोई भी नंबर लिखा हो आपका डज नॉट मैटर। 11th हाउस में हो सकता है नंबर 1 लिखा हो, नंबर 5 लिखा हो, 8 लिखा हो, 12 लिखा हो, डजंट मैटर, 11वां घर 11वां घर ही रहेगा। ये जो नंबर्स आपकी कुंडली में आप देख रहे हो, ये नंबर्स हैं आपकी राशि के नंबर, यानी कि 11वें घर में कौन से नंबर की राशि बैठी हुई है। आपके 11वें नंबर में हो सकता है कि 5 लिखा हो, यानी कि आपके 11वें घर में 5 नंबर की राशि यानी कि सिंह राशि बैठी हुई है। इतना सिंपल है ये, ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से वीडियो रिवाइंड करिए और इस चीज़ को बहुत ध्यान से गौर से समझिए, क्योंकि यही एक ट्रिकी पॉइंट है जहाँ पे आप गलती कर सकते हो और यही नहीं करना है आपको, ओके। तो 11th हाउस फिक्स है, ये यही रहेगा जहाँ पे एरो निशान बना रही है, बस यहाँ पे कुछ भी नंबर आपका लिखा हुआ हो सकता है 1 से लेके 12 के बीच में, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो 11th हाउस होता है, मैंने आपको बताया इच्छा पूर्ति का होता है, ये लाइफ में जो इनकम होती है, गेन होते हैं, कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, उनका भी यही हाउस होता है। आपकी कुंडली का ये हाउस कितना अच्छा है यही डिफाइन करता है कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, आपकी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी होगी, ओके। अब अच्छा है बुरा है उसमें तो हम नहीं जाएंगे, इसको बेहतर कैसे बना सकते, इसका जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट है वो अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, यही हम आज सीखने वाले हैं, ओके। इतना अगर आपने कर लिया तो बस आप 80% काम कर चुके हैं, बाकी का जो 20% है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अब देखना क्या है कि आपके 11th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जी हाँ, आपके 11वें घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, या इसी चीज़ को मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, आपके 11वें घर में कौन सी राशि बैठी हुई है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर जो कुंडली दिख रही है, इसके 11वें घर में 5 नंबर की राशि बैठी हुई है, ओके। तो 11वां घर है, 5 नंबर की राशि, यानी कि सिंह राशि रूल कर रही है 11वें घर को, यानी कि सिंह राशि के जो मालिक होंगे, जो लॉर्ड होंगे, वो कंट्रोल करते हैं आपकी जीवन की सभी इच्छाओं को, ठीक है। यानी कि अगर आप सिंह राशि के मालिक का, आपकी कोई और राशि हो सकती, कोई और नंबर हो सकता, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, ठीक है। सिंह राशि एक एग्जांपल है बस। सो अगर सिंह राशि के मालिक की हम पूजा करें या उससे रिलेटेड कुछ खास उपाय करें तो हमारे काम और हमारी इच्छाएं पूर होगी, ये है कॉन्सेप्ट मेन, ओके। अब देखिए आपके 11th हाउस में 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा होगा, मैं एक एक करके सबके बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब मैं करूँगा क्या, मैं वीडियो में कुछ उपाय बताऊँगा, मैं एक खास मंत्र, जो स्पेशल मंत्र आपको प्रतिदिन 11 बार पढ़ना चाहिए, हर दिन 11 बार, वो नीचे स्क्रीन पे शो कर दूंगा, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसकी चैंटिंग भी आप कर सकते हैं। मैं एक उपाय आपको वीडियो में भी बताऊंगा और कुछ रेमेडीज में डिस्क्रिप्शन में भी लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो ये 3 तरह के उपाय मैं आपको बताऊंगा, इन तीनों में से कोई भी एक कर लो ना, आपका काम बन जाएगा, कोई भी एक, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ क्योंकि कईयों को प्रॉब्लम होती है पूजा पाठ करने में, तो वो मंत्र चैंटिंग करेंगे, ठीक है। कईयों को प्रॉब्लम होती है कुछ धारण वारण करने में, तो वो पूजा पाठ कर लेंगे। इस तरह के सभी लोगों ताकि कवर हो जाए, इसलिए इस बात को वीडियो ध्यान में रखे बनाया जा रहा है, ओके। नाउ शुरुआत करते हैं सूर्य से, यानी कि अगर आपके 11th हाउस में नंबर 5 लिखा हुआ है, आपके इच्छा पूर्ति के घर को सूर्य रूल कर रहा है, आप कुंडली में सूर्य कहीं भी बैठा है डज नॉट मैटर, ठीक है। आपको सूर्य के उपाय करने हैं। सूर्य को जो रूल करते हैं वो है श्री राम, यानी कि आप भगवान श्री राम की आराधना पूजा करें, राम मंदिर में अक्सर जाना शुरू कर दें, ठीक है। भगवान राम की ब्लेसिंग्स जैसे ले सके लें, ओके। मंत्र आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मंत्र आप चैंट करें अगर आपकी 11th हाउस में नंबर 5 लिखा हुआ है, ओके। ये खास उपाय है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की, यानी कि आपके 11th हाउस में 4 लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर 4 लिखा हुआ है तो आपकी इच्छा पूर्ति का जो आपका लाइफ का डिपार्टमेंट है, इसको चंद्रमा रूल करता है। इसको मजबूत करने के लिए आपको श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, श्री कृष्ण के मंदिरों में जाने चाहिए, बाकी बिहारी के धाम में जाना चाहिए, और एक खास मंत्र है आपके लिए जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको जरूर चैंट करना चाहिए आपको। बाकी आपको रेमेडीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी,
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में, यानी कि आपके 11th हाउस में या तो नंबर 1 लिखा हो या फिर नंबर 8 लिखा हो, तो आपकी इच्छा पूर्ति का जो घर है उसे मंगल रिप्रेजेंट करता है और मंगल से जुड़े भगवान हैं श्री हनुमान जी और गणेश जी। ठीक है, तो आप या तो हनुमान जी के भक्त बनिए, हनुमान जी की पूजा आराधना करिए, गणेश जी की पूजा आराधना करिए, कोई भी काम शुरू करें गणेश जी का नाम लेकर शुरू करें, आपके काम निश्चित तौर पे बनेंगे। एक खास मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि सिर्फ आपको सूट करेगा और आप इसकी चैंटिंग डेली कर सकते हैं, बाकी की खास रेमेडीज डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह की, यानी कि आपके 11th हाउस में या तो नंबर 3 लिखा हो या फिर नंबर 6 लिखा हो, तो आपकी इच्छा पूर्ति के घर को रूल कर रहा है मरकुरी यानी कि बुध। अब मरकुरी कहीं भी बैठा हो कुंडली में उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है, 3 और 6 अगर लिखा हुआ है यानी कि मरकुरी रूल कर रहा है। मरकुरी के देवता होते हैं श्री नारायण श्री हरि, तो आपको विष्णु जी की श्री नारायण श्री हरि की किसी भी रूप में आराधना जरूर करनी चाहिए। एक खास मंत्र दे रहा हूं जो कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको भी प्रतिदिन चैंट करना शुरू करिए, कुछ ही दिन चैंट करेंगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देगा। बाकी रेमेडीज के लिए आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र ग्रह की, यानी कि आपके 11th हाउस में या तो नंबर 2 लिखा हो या फिर नंबर 7 लिखा हो, दोनों केसेस में आपके इनकम इच्छा पूर्ति मनोकामना के घर को रूल करता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह कोई और नहीं, माता लक्ष्मी रूल करती हैं, भगवान कुबेर भी इसको रूल करते हैं। तो अगर आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड कमी है या ग्रोथ नहीं हो रही, घर में समृद्धि नहीं आ रही है, तो माता लक्ष्मी की आराधना करिए। और अगर पैसा है ठीक ठाक है बट सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, या फिर जो भी आप एसेट क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर्टी जमीन नहीं खरीद पा रहे, तो कुबेर जी की पूजा करिए। ठीक है, तो 2 और 7 लिखा हुआ है अगर आपके 11th हाउस में, तो शुक्र रूल करता है, माता लक्ष्मी और कुबेर जी इसके आराध्य देवी और देवता है। स्क्रीन पर आपको एक मंत्र दिख रहा होगा, इसकी चैंटिंग भी आपको करते रहना चाहिए, बाकी की रेमेडीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके 11th हाउस में नंबर 9 लिखा हुआ है, तो इसको रूल करते हैं देव गुरु बृहस्पति, और ये सिचुएशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, बृहस्पति जिसके भी 11th हाउस में या फिर नंबर 9 लिखा हो जिसके भी 11th हाउस में, अक्सर ये व्यक्ति पाएगा कि इसको कपड़ों का शौक, खाने का शौक, घूमने का शौक जरूर होता है, और अक्सर इसके ये शौक पूरे भी हो जाते हैं। शौक किसे नहीं है, सबको होते, पर बृहस्पति क्योंकि आपके मनोकामना के घर में यानी कि नंबर 9 लिखा हुआ है 11th हाउस में, ऐसा सिचुएशन है तो आपकी मनोकामनाएं पूरी ऑलरेडी हो रही है। लेकिन इस चीज को और ज्यादा ट्रिगर करने की जरूरत है, और ज्यादा इसको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है आपको अपनी लाइफ में। आप क्या करिए, आप बृहस्पति यानी कि एक टीचर, एक गुरु, और इस पूरी धरती पे सृष्टि पे सबसे पहले और सबसे बड़े टीचर हैं आदि गुरु भगवान शिव शंकर, आपको शिव जी की जरूर उपासना आराधना करनी चाहिए। एक स्पेशल मंत्र आपको दे रहा हूँ, स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, इसको चैंट करना चाहिए डेली, बाकी की रेमेडीज आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। लास्ट में अगर आपकी 11th हाउस में 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा हुआ है, तो ये शनि प्लेनेट इसको रूल करता है। शनि जी क्या करते हैं, शनि जी पैसा बहुत देते हैं, विदाउट शनि देयर इज नो मनी। तो अगर आपकी 11th हाउस में 10 लिखा है या 11 लिखा है, तो आपको शनि भगवान की पूजा आराधना या उनके मंदिर में जाना जरूर शुरू करना चाहिए, साथ ही साथ भगवान शिव की भी आपको आराधना बहुत फलित होगी। एक खास मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको भी चैंटिंग आप जरूर करिएगा, बाकी की सारी रेमेडीज मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। तो ये था आपकी इच्छा पूर्ति आप अपनी कुंडली से खुद कैसे सीख सकते हो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो जस्ट और रिवाइंड करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कमेंट में आप मुझसे पूछ भी सकते हो क्वेश्चन कि आपको क्या नहीं समझ में आया। साथ ही साथ अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके 11th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ था, यानी कि आपके 11th हाउस को कौन सा प्लेनेट या कौन से देवी देवता रूल कर रहे थे, जो आज आपको पता चला होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, क्या आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हो कि आप कैसे पता कर सको कि आपका घर कब बनेगा, आपकी शादी कब होगी, इसी तरह की इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के जरिए सिखाऊं, किस तरह का आपका फीडबैक है मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह की वीडियोस और पाने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।